Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I am telling you about the spherical thin wall pressure vessels. And the objective of this lecture is to develop an expression for longitudinal stresses for a spherical thin wall pressure vessels in terms of the pressure and the dimensions of the vessel. और इस दफा मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स लिया है, जिसके ऊपर हमारा एक्सटर्नल लोड जो है वो इस तरीके से एक्ट करेगा ड्यू टू लिक्विड और गैस ऑल साइड्स ऑफ स्फीयर. सो नाउ कंसीडर दैट अ थिन वॉल स्फेरिकल प्रेशर वेसल ऑफ इनर रेडियस आर विद वॉल थिकनेस डी एंड वी नो दैट डी ओवर टी रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 फॉर द थिन वॉल प्रेशर वेसल्स. So because of the spherical symmetricity, the normal stresses will be the same in any direction in the shell as indicated in the figure below. So अब हम यहाँ पे किसी भी अगर direction में इसका transfer जो cut है वो apply करेंगे तो उस सूरत में हमारी किसी भी direction की सूरत में जो normal stress है वो same मिलेगी और इन spherical के अंदर हमें hope stress जो है फिर नहीं occur हो रही. क्यों? क्योंकि हर side जो है वो symmetrical है. So we also know that in spherical pressure vessel we will neglect the weight of the contents and the weight of the structure itself. And for these forces are generally many orders of magnitude less than the force due to the internal pressure and the force from the resulting stress in this cross section. So अगर हम इसका transfer that इस x direction में लें या इस vertical direction में लें या x-axis direction में लें तो हमारे पास जो है सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस और प्रेशर जो है वो एड करेगा उसके ऊपर. तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन के ऊपर कट करें. क्यों? क्योंकि हमारी जो शेप है वो स्फेरिकल है, इस वजह से ये आपकी बोथ सेम जो है वो शेप्स जो है वो आइडेंटिकल है. सो दिस टाइम जो हमारी फोर्स है मतलब वो जी डायरेक्शन के ऊपर, अगर हम इसको लें तो जी डायरेक्शन में, इधर भी आप देखें जी डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम की जो हम कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन जी डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो. सो द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टाइम्स द पाई आर स्टेट आउटर माइनस पाई आर स्टेट इनर माइनस जो प्रेशर लग रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो माइनस पी पाई डी स्टेट ओवर फोर इज इक्वल टू जीरो. देन रीअरेंजिंग द टर्म एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी एंड टी and then we come up with this solution same as we derived in the previous cylindrical pressure vessel, that is longitudinal stress is equal to pd over 4t. So is terms ko hum basically use karte hain for spherical pressure vessels. So now let's state a stress blot over there. और इस सूरत में हमारी लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्सेस है इन बोथ साइड, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो हमारी हर डायरेक्शन के अंदर सेम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो है वो एट रेडी, दैट इज पी टाइम्स डी डिवाइडेड बाय 4t. तो जब हम इसका मोहर सर्कल ड्रा करेंगे तो इसका हमारे पास 80 पॉइंट होगा रादर देन अ सर्कल, बिकॉज इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्स एक्सिस में मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल एट जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है दोनों सेम है, तो हमारे पास 8 ही पॉइंट आएगा rather than a circle, that is longitudinal stress is equal to p times d divided by 4t. aur jo shear stress ho rahi wo hamare paas isme zero ho rahi, kyun? kyunki yahan pe 8 point hai rather than a circle. so this concludes our lecture.